नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। और ये वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अद्भुत टाइप का ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूं। और इसको यदि हम गणित का जादुई ट्रिक कहें ना तो कोई परेशानी नहीं होगा, मतलब इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। क्योंकि आज मैं आपको कैलेंडर वाला कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें हम किसी प्रकार का कोड याद नहीं करेंगे, अन्यथा आपको बहुत सारे कोड याद करवाया जाता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। लेकिन आज का वीडियो विशेष है, इसलिए हम केवल उस विशेष वीडियो पर बात करेंगे, उस विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर मैंने कल ही वीडियो बनाया था ये वाला। यदि आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ समझना है तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करना है, वीडियो को पूरा देखना है। लेकिन अभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि मुझे कमेंट आया है। और कमेंट कौन सा है आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको एक कमेंट दिखाई दे रहा है शिव कुमार जी का, और इसने लिखा है कि सर आपके ट्रिक के आधार पर यदि हम 15 अगस्त 2076 का, अगर हम 2076 का निकालना चाहें तो क्या ये ट्रिक काम करेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये लीप वर्ष के लिए और साधारण वर्ष दोनों के लिए काम करता है। तो भाई वास्तव में ये लीप वर्ष के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, तो चलो आज के वीडियो को पूरा देखते हैं। और इसमें मैंने 3 4 5 वाला ट्रिक क्यों बताया था, तो आज मैं इसका थोड़ा से और बता देता हूं। डिटेल में समझना है तो आप ऊपर वाली वीडियो को तो जरूर देख लीजिएगा जिसको मैंने लिंक दिया था ऊपर में आई बटन में। अब देखिए यहां पर अगर मुझे इस सन का बताना है, जैसे देखिए हमें कमेंट किया गया है 2076 का, है ना, 2000 अगर हम 76 की बात करते हैं तो 2076 में, और कौन सा डेट, 15 अगस्त की ही बात करेंगे यहां पर, है ना, 15 अगस्त, यहां पर 15 अगस्त 2076 को कौन सा दिन होगा, है ना। अब ये तो केवल 2000 की बात हो रहा है, मतलब यहां पर हम जो शताब्दी वर्ष ले रहे हैं ना वो 2000 ले रहे हैं, लेकिन ये जो ट्रिक है हर सन के लिए, मतलब कोई भी शताब्दी वर्ष हो, जैसे वो 1900 होगा तब भी काम करेगा, वो 1600 हो तो भी काम करेगा, कोई भी हो, आपको यहां पर ये नहीं सोचना है कि केवल 2000 पर काम करेगा, सब पर काम करेगा। लेकिन भाई अगर हम 2000 की बात करते हैं तो हमको ये सरल इसलिए लगता है क्योंकि यहां पर आप 2000 वाले में क्या करेंगे, आपको ऊपर में कुछ नहीं जोड़ना है शताब्दी वर्ष में। उदाहरण के लिए चलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हम कैसे हल करेंगे। तो चलिए इसको बनाने का जो पहला जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, जैसे 15 अगस्त की हम बात करते हैं, है ना, 15 अगस्त अगर हम बात करें 2076 की बात करें, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहां पर क्या करें 2000 से लेकर के, है ना, 2000 से लेकर के आगे कहां तक जाएंगे, यहां पर 17 में जाएंगे जिसमें शताब्दी वर्ष केवल 2000 ही होगा, तब हम इस ट्रिक का प्रयोग कैसे करेंगे। लेकिन अगर ये 19 इसी में हम 1900 करके भी देखेंगे तब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमको शताब्दी वर्ष पता चल गया है ना, यहां पर देखिए 76 का करना है तो हम 2000 शताब्दी वर्ष लिखेंगे, और इसमें अगर इसको हम क्या करते हैं 400 से भाग देते हैं तो पता है किसको, जब आप 400 से भाग देगो भाई तो यहां पर कुछ भी नहीं बचता है। तो इसीलिए मैंने बोला ना जब हम 2000 की बात करेंगे तो यहां पर विषम संख्या कितना आएगा, शून्य आएगा। लेकिन अगर इसको हम 1900 की बात करते और 1900 को हम जब 400 से भाग देते तो 400 से जब हम भाग देंगे, ध्यान दीजिए 400 से भाग देंगे तो 4 × 16 मतलब यहां पर 300 आएगा, और 300 का विषम कोट क्या होता है, इसलिए मैंने आपको जो ट्रिक में लिखा था ना, मैंने 3 लिखा था, है ना, उसके बाद 4 लिखा था, उसके बाद 5 लिखा था। ये 3 क्यों लेते हैं, ध्यान दीजिए आपका जो यहां पर डेट जो दिया होगा, ये वाला जो सन दिया है लास्ट वाला जो दिया हुआ है ना, लास्ट के 2 अंक वो यदि क्या है, साधारण वर्ष है, मतलब लीप वर्ष नहीं है, तो आपको 3 जोड़ना है, और अगर वो लीप वर्ष है तो 4 जोड़ना है। जैसे आज के लिए 76 क्या है, इसको आप 4 से भाग देकर देखिए, 4 से भाग देंगे ना तो 4 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 4 × 4 और यहां पर कितना बच गया है, 3 बचा है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 36 मतलब यहां पर ये क्या हो रहा है, लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में ये ट्रिक काम कैसे करेगा, इसमें हमको 4 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस 5 का उपयोग कब करेंगे, जब शताब्दी वर्ष बदल जाए, जैसे यहां पर 1900 हो तब हम इस 5 का उपयोग करेंगे। 5 का उपयोग क्यों करेंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि 5 का उपयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए मैं थोड़ा यहां से बता देता हूं, अगर हमें 5 दे दिया है, मतलब हमें क्या करना है, अगर जब हम शताब्दी वर्ष को भाग दे रहे हैं इसको तो कितना आ रहा था, 400 से भाग दे रहे थे तब तो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। लेकिन भाई अगर ये 1900 होता तो अब तो ये भाग नहीं जाता, मतलब इसको हम 400 से भाग देते ना तो कितना आता, 300 आता, तब हमें उस 100 की आवश्यकता होती है, उस 5 की आवश्यकता होती है। 5 की क्यों, क्योंकि 100 का जो कोड होता है, विषम दिनों की संख्या की बात कर रहे हैं, 100 का कोड कितना होता है, 5, ये विषम दिनों की संख्या है। तो भाई 200 का कितना होगा फिर, क्योंकि हमें निकालना कितने का है, 300 का, तो 200 का कितना होगा, 5 होता है 100 का, तो अगर हम 200 का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसको दुगुना करेंगे तो 10 होगा। विषम दिन निकालने के लिए इसको 7 से भाग देना पड़ता है, शेष कितना रहा, इसमें तो 5 ही आएगा, इसको भाग देंगे 7 से, कितना आएगा शेष, 3 आएगा। इसका मतलब यह है कि 100 का जो विषम दिन की संख्या वो कितना है, 5,
200 में विषम दिन की संख्या कितना आ रहा है यहां पर, 3। तो 300 में विषम दिन की संख्या कितना आएगा, तो भाई यहां पर इसको आपने डबल किया था, 10 हुआ था, तो 5 को आपको 3 गुना करेंगे तो 5 किया 15 हो जाएगा, इसको आपको 7 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा, 7 दुनी 14 और 1 आ रहा है, मतलब यहां पर कितना आ रहा है 1। इसलिए मैंने जो ट्रिक बताया था ना, 3, 4 और 5 उसमें से 5 मैंने यहां से लिया था और यहां से हमने 200 का निकाल लिया और 300 का भी निकाल लिया। अब चलिए हम उस प्रश्न पर चलते हैं जिसको हम बना रहे थे। कौन सा प्रश्न था हमारा, 15 अगस्त, ठीक है, ये केवल 15 अगस्त पर ही काम करता है और ये मुझे कमेंट किया गया है इसलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। और 2076 की बात कर रहे हैं, देखिए 2076 की बात करें तो हमको तो समझ आ गया है इसमें शताब्दी वर्ष कौन है, 2000 है, और 2000 को 400 से भाग देते हैं तो कुछ भी शेष नहीं बचता है, मतलब यहां पर आपको शून्य करना है। इसलिए ये जो सन अभी चल रहा है 2000 से लेकर अभी आने वाले सन तक, तो ये काम करेगा, ठीक है, 2000 में ही काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए अब हमको पता चल गया है कि यहां पर 76 जो है क्या है, लीप वर्ष है, तो 76 मतलब एक काम करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, 75 होगा, इसको आपको भाग देना है किससे, 4 से, मतलब यहां पर हम लीप वर्ष की संख्या निकाल रहे हैं, 4 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 × 1 = 4, और यहां पर कितना बार जाएगा, 4 × 36 नहीं होगा, 35 हो रहा है, तो 4 × 8 कितना हो जाएगा, 32 होगा, शेष बचता है उससे मतलब नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये 75 में आपको जो भाग दिए उसको भाग दिए उसको जोड़ देंगे तो यहां पर कितना, 8 × 5 = 13 हो जाएगा, 7 × 8 कितना हो जाएगा, 9 = 93 आ रहा है। इसमें आपको विषम दिनों की संख्या निकालना है, तो इस विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 93 है ना, यहां पर लिख देते हैं 93 को आपको भाग देना होगा 7 से, अब 7 से भाग देंगे तो 7 × 7, ध्यान दीजिएगा 7 × 7 हो रहा है, यहां पर कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, ये 23 हो गया, तो कितना बच जाएगा, 7 × 21, हमें यहां पर इससे मतलब नहीं रखना है, हमें शेष कितना बचा, हमारे पास शेष कितना बचा है, केवल 2 बचा है, तो यहां पर हमें क्या लिखना है, इसके बाद यहां पर आ जाएगा 2। और हमको एक और चीज बताया गया था, हमने एक चीज और बताया था कि 15 अगस्त केवल और केवल 15 अगस्त के दिन की बात करें तो इसीलिए आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक या अगस्त तक का कोई कोड याद नहीं करना है। मैंने जो कोड बताया है, अगर वो लीप वर्ष है, देखिए लीप वर्ष है, ध्यान दीजिएगा लीप वर्ष है तो 4 जोड़ना है, साधारण वर्ष है तो 3 जोड़ना है, इसलिए मैंने 3, 4 और 5 बोला था। तो यहां पर हमको पता चल गया है कि लीप वर्ष है तो हम यहां पर क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। अब 4 को 2 से जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, इसको हम 7 से भाग देंगे तो भाग जाएगा क्या, ये तो 6 ही आएगा। अब 6 का कोट कौन सा होता है, आप गिन कर देख लीजिए, सोमवार से गिनना प्रारंभ करना है तो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, छठवें नंबर में क्या आ रहा है, शनिवार आ रहा है, निश्चित रूप से 2076 को 15 अगस्त के दिन शनिवार ही होगा, आप मोबाइल वाला कैलकुलेटर से जांच करके देख लीजिए, लेकिन हमारे ट्रिक पर जो विश्वास करते हैं उसको कैलकुलेटर या फिर किसी प्रकार के कैलेंडर में जांच करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए मैंने आपको यह भी कहा था कि इसी को देखिए हमने लीप वर्ष में करा, अब हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, अगर हम 15 अगस्त की बात करें, 15 अगस्त की बात करें लेकिन इसको हम 1900 में ले जाएं और 1976 की बात करते हैं, अब देखिए आपको यहां पर एक और चीज समझ आएगा, केवल ये 2000 के लिए, लेकिन 2000 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और 1900 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर ये 1900 है, पहला चीज क्या करेंगे, 1900 है, इसको आपको 400 से भाग देना है, 400 से भाग देंगे तो आपको यहां पर कितना फल मिल रहा है, 300 मिल रहा है। अब अगर 300 शेष मिल रहा है तो यहां पर विषम दिनों की संख्या कितना आएगा, अभी मैंने आपको निकाल के बताया है, यहां पर आता है 1, लेकिन यहां पर जब 2000 होता है ना तो हम मानते हैं 0, लेकिन आपको याद रखना है इसके अलावा 2000 के अलावा और कोई भी सन नहीं होता है, हालांकि उसमें कुछ सन ऐसे होंगे जिसको हम 4 से भाग देंगे, उदाहरण के लिए अगर हम 1600 की बात करते हैं ना, 1600 की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, तो यहां पर भी आपको 0 लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ विशेष सन होंगे, सत्र होंगे, शताब्दी वर्ष होंगे जिसको भाग देंगे तो या तो 100 शेषफल बचेगा या फिर 200 बचेगा या फिर 300 बचेगा, इसके अलावा कुछ शेषफल नहीं बचेगा, तो 1600 में भी आपको 0 जोड़ना होगा उसी प्रकार, और जैसे 1200 होगा तब भी हम करेंगे, लेकिन जैसे 1500 आ गया, 1700 आ गया, 1878 आ गया, 1858 आ गया तो हम उसको भाग देंगे, शेषफल निश्चित रूप से 100, 200 या 300 बचेगा, उसका कोड यहां से आप निकाल सकते हैं, बस यहीं पे आपको सावधानी बरतना है। दूसरा क्या करना है, इसका तो हमने निकाला, यहां पर क्या करेंगे, 75, और 75 को आपने क्या किया था, अभी भाग दिया था 4 से, और जो भाग फल आया था उसको इसमें हम जोड़े थे तो हमारा उत्तर कितना आया था, 93 आया था, इसको हम 7 से भाग दिए थे तो यहां पर हमारा शेष कितना आया था, 2 ही आया था। और यहां पर देखिए लास्ट वाला डिजिट कौन सा है, लीप वर्ष है ना, 76 लीप वर्ष है, तो आपको यहां पर 15 अगस्त का निकालना है, केवल और केवल 15 अगस्त का निकालना है, तब ये ट्रिक काम करेगा, अन्यथा अन्य डेट का निकालना है तो आपको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब डेट का क्या करना होता है, विषम दिनों को जोड़ना होता है, लेकिन 15 अगस्त का मैंने पूरे इसमें जोड़ लिया है और मैंने ट्रिक बताया है। अगर आपने
जनवरी से लेकर 15 अगस्त के दिनों के विषम दिनों को निकालोगे और उसको जोड़ोगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो हम अगर लीप वर्ष का जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आता है, विषम दिनों की संख्या 4 आता है, साधारण वर्ष है तो कितना आता है, 3 आता है, इसलिए मैंने बोला था। अब देखिए यहां पर 1 है, 1 में 2 को जोड़ेंगे, फिर उसमें क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 4 2 6 और कितना रहा यहां पर, 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, या तो 7 आए या फिर 0 आए, दोनों का मतलब क्या होता है, 7 और 0 जो है किसको प्रतिनिधित्व करता है दिनों के कोड में, रविवार को, क्योंकि देखिए आप देखो हम सोमवार से गिनना प्रारंभ करते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, फिर रविवार में क्या आ रहा है, 7वें नंबर में रविवार आ रहा है, मतलब या तो 0 हो या फिर 7 हो, क्योंकि 7 को आप 7 से भाग देंगे, भाग चला गया एक बार, शेषफल कितना बचा, 0, इसलिए मैंने 0 बोला है। अगर शेषफल 0 हो या 7 हो, है ना, मतलब 7 आ जाए, तो आपको क्या मानना है, रविवार। निश्चित रूप से 15 अगस्त 1976 को कौन सा दिन रहा होगा और कौन सा दिन आने वाले सनों में और भी कौन सा दिन निकालना हो, तो इस प्रकार के ट्रिक का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, किसी भी सन का निकालना भी आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, और भी किसी सन का प्रयोग करना है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मुझे 15 अगस्त की ही हम बात कर रहे हैं, 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, और 2000 अगर हम यहाँ पर 50 की बात कर ले, चलो 2050 की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पर शताब्दी वर्ष की बात कर रहे हैं, शताब्दी वर्ष निकाल दिए, यहाँ पर तो 0 आएगा क्योंकि शताब्दी वर्ष, 50 में आपको क्या करना है, 49 करना है, ठीक है, 50 में 49 एक साल कम करेंगे, फिर आपको 49 में आपको 4 से भाग देना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल और केवल लीप वर्ष, 4 एकम 4 और 4 दुनिया 8, ये 12 बार गया, तो 49 में आपको क्या करना है, 12 जोड़ना है, यहाँ पर देखिए जितने बार भाग गया, 9, 10, 11 हो जाएगा, 4 और 1 5 और कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसको आपको 7 से भाग देकर विषम दिनों की संख्या निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 7, 8, 56, 7 ने 63 ज़्यादा हो रहा है, तो 7, 8, 56 हो रहा है, तो 56 और 61, तो यहाँ पर भी आपको क्या करेंगे, 61 में आप 56 घटाएंगे, आपके पास कितना शेष बच रहा है, तो यहाँ पर देखिए 6 है तो 6, 5, 11 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम 56 ले रहे हैं, तो हमारे पास शेष दिनों की संख्या यहाँ पर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 15 अगस्त का जब भी आप लेते हैं ना, है ना, यहाँ पर 15 अगस्त का जब भी आप लेते हैं तो आपको क्या करना है, मैंने बताया है कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, ये जो 50 जो है लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, निश्चित रूप से 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। अब इन सबको आप जोड़ दीजिए, तो 0, 5, 3 और 8, तो 5, 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, 8 को आपको भाग देना है 7 से, शेषफल कितना आया, 1 आया। अब कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं, आप लोग बताएं कौन सा दिन होगा, निश्चित रूप से सोमवार होगा। अब आप इसको चाहे तो मोबाइल में जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी सन का, कोई भी सन क्यों ना हो, अगर 15 अगस्त का तिथि निकालना हो और दिन निकालना हो तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। बस याद रखना है, यदि आप शताब्दी वर्ष का निकाल रहे हैं अलग अलग हो, शताब्दी वर्ष हो, ध्यान दीजिएगा, अगर शताब्दी वर्ष अलग अलग हो तो उसी में आपको सावधानी यह बरतना है, अगर वो शताब्दी वर्ष में 2000 है ना, या फिर 1600 है, या फिर 1200 है, इस प्रकार है, जो क्या हो जाता है, 4 से भाग जाता है, तो यहाँ पर आपको 0 ही जोड़ना होगा। लेकिन शताब्दी वर्ष कुछ इस प्रकार का हो जाए, जैसे 1900 हो जाए, या फिर 1800 हो जाए, या फिर 1700 हो जाए, तो इसको जब आप 400 से भाग देंगे, इसको भी आप 400 से भाग देंगे, इसको भी आप 400 से भाग देंगे, तो भाई यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, इसको आप भाग देंगे तो 200 आ जाएगा, इसको आप भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, और इसका कोड कितना होता है, 1 होता है, इसका कोड कितना हमने निकाला था, 3 निकाला था, और इसका कोड कितना निकाला था, 5 निकाला था। बस यहीं पे आपको ध्यान देना है, बाकी अगर इस प्रकार का संख्या है जिसमें 400 से पूरा भाग जाता है तो 0 ही लिखना है, बस 3-4 को याद रखना है, साधारण वर्ष है तो 3 और लीप वर्ष है तो 4 को जोड़ना है, बाकी जनवरी से लेकर आपको अगस्त तक का कोड याद नहीं रखना है, बस 3 और 4 को याद करना है। तो निश्चित रूप से अगर आपको कैलेंडर वाला और कोई भी ट्रिक चाहिए ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियो में बता सकूं, जिससे हम किसी भी तिथि का क्या कर सकें, वार निकाल सकें कि कौन सा वार पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो नीचे में हमारे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो देखना है ना, तो बगल में आपको 2 वीडियो दिखाई दे रहे होंगे, किसी वीडियो को क्लिक करना है और शानदार वीडियो का आनंद लेना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।